बहुत सुना होगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत नई बात होगी कि कराची में मुंबई की पाव भाजी मिल रही है। और वो दिखाने के लिए मैं आई हूँ कहाँ, खारादर के इलाके में। खारादर का इलाका वैसे ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है और यहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म की पाव भाजी मिल सकती है आराम से और बहुत ही नॉर्मल कीमत है। तो आए चले हम चलते हैं अच्छी सी पाव भाजी खाने के लिए। चले मेरा नाम सैयद तालिब अली है और ये पिछले 6-7 महीने पहले मेरा बच्चा दुबई में था, तो वहाँ पर वो जो है उसकी जहाँ रिहाइश थी अकोमोडेशन थी वहाँ पे वो इंडियन लोग ज़्यादा थे वहाँ और इंडियन होटल ज़्यादा थी, तो वो खाता रहता था वहाँ पे इंडियन फूड सारे। उसने वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जब आया तो उसने कहा कि भाई मैं अब यहाँ पे इंडियन फूड की दुकान खोलूँगा। ये जब हमने खोला तो हमें ये था कि यार लोग यहाँ पे सारी ज़िंदगी उन्होंने चिकन बीफ मटन फिश ये खाई है, वो सब्जी कैसे खाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये जो है इतनी फेमस हुई है कि कभी कभी हमको यहाँ पे फुर्सत इतनी नहीं होती कि हम पानी पी लें, यानी इसकी इतनी मांग हो गई। ये पाव भाजी जो होती है ये एक किस्म की सब्जियाँ होती है, 7-8 किस्म की सब्जियाँ होती है, उन सब्जियों का एक किस्म का मक्खन से कटाकट बनाया जाता है, वो कटाकट की सूरत इख्तियार कर लेता है और जब वो आता है यहाँ तो मक्खन में ही फ्राई होकर आता है, उसमें तेल घी ये चीज़ें नहीं डाली जाती, सारा मक्खन से बनता है और सब्जियाँ होती है फ्रेश सब्जियों का कटाकट बनाया जाता है। ये और किस तरह से खाते हैं इसको? ये पाँव के साथ खाते हैं डबल रोटी के साथ, और ये इसका जायका डबल रोटी के साथ ही है। अगर आप इसको चाहोगे कि मैं इसको रोटी के साथ खाऊँ तो आपको इसका वो जो जायका है जो मज़ा है वो नहीं आएगा। ये इस डबल रोटी भी जो है बाकायदा मक्खन के साथ और मसाले के साथ फ्राई की जाती है और उसी के साथ इसका खाने का टेस्ट है। नज़ार कैसी है? बहुत ही शानदार, ऐसा टेस्ट मैंने पहले नहीं टेस्ट किया, ट्राई किया और कुछ बिल्कुल ही अलग, बहुत ही अलग, बहुत शानदार। मैं आपको बताऊं, जनरली बहुत लजीज किस्म की मक्खन में बनी हुई सब्ज़ी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब्जियों का कटा कटा, क्योंकि आपको जितने मसाले हैं जितनी मज़े मज़े की सब्ज़ी बाजार मेरी बारी थी वो जिस तरीके से मुंह में मेल्ट हो रहे हैं ना मसाले, उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही लजीज। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रीट जो है ना हमें अपने फ्रेंड्स को यहाँ देनी चाहिए ताकि कुछ नया भी हो और कुछ बहुत अच्छा सेहतमंद भी हो खाने के लिए। और अब बारी है इंडिया के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की। गोले की शक्ल में हम पकोड़ा बना लेते हैं उसका, उस पकोड़े को फिर जब कोई कस्टमर आता है तो बन के साथ उसको हम घी में फ्राई करके और उसमें मसाले अपने ऐड करके और उसको दे देते हैं। अंकल ने बताया कि बड़ा पाव तो मतलब एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमने आलू का पकौड़ा और उसको अपने बिल्कुल दबा के उसको हमने बन के खा लिया, लेकिन उसके साथ एक बड़ी दो लेयर की चटनी की मैंने देखी है और एक कुछ आपने ड्राई सा ब्राउन से कलर कर डाला था, वो क्या है? ये समझ लो एक किस्म का बादाम पिस्ते ही समझ लो। ये इसमें जो है फली होती है, तिल होता है।
आप नारे ये देखो, इसके अंदर एक बड़ा पाव है, बड़ा पाव जो चपटा हो गया, छोटा पाव हो गया। भाई ये बड़ा पाव नहीं है, बड़ा पाव है, असल वर्ड बड़ा पाव है, और ये बड़ा पाव में मुझे बड़ा शानदार लगा है। भाई मैं आपको बता दी चलूँ, चूँकि बहजाद बहुत ज़्यादा फूडी हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहजाद सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरे पास जो है इसका बेनिफिट है कि अब मैं मेरे पास पाव भाजी का ऑप्शन भी होगा और मेरे पास बड़े बड़ा पाव का ऑप्शन भी होगा खाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब सब लोग बड़ा पाव कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा पाव है जिसमें आलू की पेटी है। मैं और ट्राई करती हूँ, तो हालाँकि मेरे पेट में जगह नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ट्राई तो बनता है। तो नो डाउट जिस तरीके से इस आलू के गोल को, आलू के गोल को तला गया है डिप करके, और जो सब्ज़ी जो एक चटनी की जो मज़े की टेस्ट आ रहा है, खट्टा मीठा था, आप यकीन करें मेरे मुँह में शदीद पानी आ रहा है, और तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तो टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपको वड़ा पाव खाना है बिल्कुल आइए, आपको पाव भाजी खानी है बिल्कुल आइए। तो टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, तमाम लिंक्स नीचे, आइए ट्राई कीजिए, मुंबई पाव भाजी की शॉप खारा दर में मौजूद है, और हमें दाद दीजिए कि हमने ये चीज़ें एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।